क्या हाल है? सबके ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र देना। लाज दब लाओ करनी है जी शुरू। अजय जी, नौ मुहर्रम, और नौ मुहर्रम को मंसूब किया जाता है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। मुहर्रम में 7, 8, 9 और 10 को जो मुख्तलिफ दिन हैं, मुख्तलिफ हस्तियों के साथ मंसूब किए जाते हैं। जैसे कि 7 मुहर्रम को जनाब अमीर कासिम की वो क्या कहते हैं सेज निकलती है, और फिर 8 को झूला निकलता है, फिर 9 को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम पाक बरामद करवाते हैं, और 10 मुहर्रम को जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शबि ज़ुलजना निकालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम गांव में जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि हमारे गांव में 9 मुहर्रम और हराम को एक तो शबि ज़ुलजना निकाली जाती है, और दूसरा लोग सबील वगैरह लगाते हैं, लंगर न्याज देते हैं, जो कि हर गांव में, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, गांव में नहीं, देहात में नहीं, शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको चाहिए कि वो लंगर न्याज दें, ताकि हम ये बता सकें कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। चाहे शिया हैं, सुन्नी हैं, वाबी हैं, जो भी हैं, वो एक अलहदा सेपरेट चीज़ है आपकी, लेकिन इमाम हुसैन सब के हैं, क्योंकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, और मोहम्मद आले मोहम्मद के जितने भी, जो भी आप कह लें, उन्होंने जिस हाल में दीन को बचाया, ये आप सब जानते हैं कि करबला में जो करबला में यजीद ने क्या कुछ नहीं किया, जितना जुल्म यजीद ने करबला में किया है, शायद इसकी मिसाल कहीं मिलती हो। मुझे तो नहीं लगता कि इसकी मिसाल मिलती है, जितना जुल्म व सितम करबला में हुआ, और जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जिस काम से अंबिया इकराम घबरा गए थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं करूँगा। थोड़ा जहा थानू पिंड का माहौल चेक करावे कि जी पिंड की माहौल है, किस तरह का सबील वगैरह लगाए हुए, मतलब दुनिया ने हर चौक पर सबील वगैरह है, और हर जगह पर लोग हर आमन वाले मुसलमान नू, हर आदमी नू सबील करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जो भी उन्होंने मतलब सबील बनाया है वो सब पिला रहे ने। इस चौक पर साढ़े नाल चौक पर भी सबील लाई है मुंडिया ने, और लोगों को पानी पिला रहे हैं, सबील करवा रहे हैं। आज शबे आशूर है, 10वीं की रात है। अभी तक हर बहन के पास उसका भाई है, हर माँ के पास उसका बेटा है, हर बेटी के पास उसका बाप है। आज की रात आले रसूल पर जिस कुर्ब से गुजरी है, वो आपको, मुझे, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जिस कुर्ब से गुज़रे हैं आले रसूल। आज की रात मैं कैसे बयान कर सकता हूँ कि क्या क्या खैमों में हो रहा होगा, कैसे माँ अपने बेटे को समझा रही होगी, कैसे अपने बहन भाई को समझा रही होगी,